हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल डब्ल्यू बी फ्री मैथ सोल्यूशन। ओके, आज हम क्लास नाइन्थ का चैप्टर 10 करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन, फॉर्मूलाज जो भी है, और साथ ही साथ इसका कुछ सम्स भी करके आप लोग को बताऊंगी, जिससे फॉर्मूलाज कैसे अप्लाई करते हैं ये आप लोग सीख लोगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, बिना स्किप किए देखिए, और हो सके तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए। ठीक है, और कोई भी डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो आप उसमें कमेंट भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस जो है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लाभ और हानि। ठीक है, लाभ और हानि, जैसे हम कोई भी सामान बाजार से खरीदते हैं और उसे हम कुछ अपना प्रॉफिट रख के, जैसे 10 रुपए का हमने पेन खरीदा और उसमें 5 रुपीज का हमने अपना प्रॉफिट रख लिया। ठीक है, और उसको हमने 15 में बेच दिया। तो 10 रुपए में खरीदा था, 15 में बेच दिया। ठीक है, खरीदने को कहते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कहते हैं इसे, सीपी से डिनोट किया जाता है, और बेचने को कहते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस कहते हैं, और इसे एसपी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो हमारा सीपी क्या है? 10 रुपीज है, और हमने 15 में बेच दिया, तो हमें यहाँ पे क्या हुआ? फायदा हुआ, लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे? इस 15 में से इस 10 को माइनस करने पे 15 माइनस 10 क्या आ जाएगा? 5 रुपीज का फायदा हुआ, तो उसे हम कहते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमारा कितना हो गया? 5 रुपीज। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास फॉर्मूला बन गया, प्रॉफिट क्या? एसपी माइनस सीपी। अगर अगर हमें क्या करते कि 15 में खरीदते, ठीक है, किसी भी सामान को 15 में खरीदते और 10 में बेच देते, तो ऑब्वियसली हमारा लॉस हो रहा है। हमने 15 रुपीज वेस्ट किया था और हमें 10 ही मिला, तो हमारे कितना का लॉस हो गया? 5 रुपीज का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? माइनस में आएगा वो। ठीक है, तो वो आप यही करेंगे कि 10 माइनस 15 या 15 माइनस 10, जैसे भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे लॉस का फॉर्मूला क्या हो जाता है? सीपी माइनस एसपी, मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये हो गया लाभ, प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात। अब परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? कितने परसेंट का हमें लाभ हुआ या कितने परसेंट का हमें हानि हुआ, ये चीज हम निकालना होगा। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट का फॉर्मूला या तो एसपी माइनस सीपी कर लीजिए, या डायरेक्टली प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट माइनस सीपी, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही निकाला जाता है। ठीक है, सेलिंग प्राइस पे नहीं, प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे। तो कॉस्ट प्राइस जो भी होगा उसको बाई करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद लॉस निकालना होगा, तो लॉस भी इसी तरह करेंगे, पी की जगह पे लॉस पुट कर देंगे, जो हमारा लॉस हुआ था। ठीक है, वो तो उससे हमें परसेंटेज ऑफ लॉस मिल जाएगा। अब बात आती है कि एसपी कैसे निकाले जब सीपी दिया हो, मतलब सेलिंग प्राइस कैसे निकाले जब किसी भी सामान का कॉस्ट प्राइस, कितना कीमत है, क्रय मूल्य दिया हो, तो विक्रय मूल्य कैसे निकाले? हिंदी में इसको विक्रय मूल्य कहते हैं। तो इस तरह निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज होगा हमारे पास, सीपी होगा, तो ये फॉर्मूला पुट करके निकालेंगे। ठीक है, 100 प्लस P परसेंटेज बाई 100 इंटू सीपी, ये आपको रटना होगा, मतलब एकदम दिमाग में रहना चाहिए एकदम, जब जब भी हम मैथ्स बनाने जाए तो ये सारे फॉर्मूलाज होने चाहिए, और ये बहुत इजी फॉर्मूला है, बहुत जल्दी लर्न हो जाता है। उसके बाद है, अगर लॉस हो गया तो वही माइनस हो जाएगा, 100 माइनस सॉरी यहाँ पे मैंने गलती कर दिया है, यहाँ पे हो जाएगा 100 माइनस L परसेंटेज बाई 100 मल्टीप्लाई सीपी। ठीक है, और अगर सीपी कॉस्ट प्राइस निकालना होगा तो 100 ऊपर चला जाएगा, 100 प्लस P परसेंटेज। देखो वो बस वही चीज है, बस उलट गया है, और यहाँ सीपी की जगह पे एसपी हो जाएगा, क्योंकि हम सीपी निकाल रहे हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं, यहाँ भी एसपी हो जाएगा। तो इस तरह करके आप लर्न कर सकते हैं, ऑल्टरनेट करके, जैसे यहाँ 100 प्लस P है और इसमें क्या है, 100 प्लस P नीचे है, ऊपर यहाँ पे नीचे 100 है, यहाँ ऊपर 100 है, बस ये आपको ध्यान देना है। और लॉस में भी सेम वही है, माइनस कर देना है। ठीक है, तो इस तरह करके हम फॉर्मूलाज को लर्न कर सकते हैं। और सबका मतलब बताती हूँ कि कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है। द प्राइस ऑफ विच एनी प्रोडक्ट इज बॉट, जिस प्राइस पे हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, ठीक है, खरीदते हैं, उसे कहते हैं क्या? सीपी। एंड सेलिंग प्राइस, द प्राइस एट विच एनी प्रोडक्ट इज सोल्ड, कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, सोल्ड करते हैं, तो वो क्या हो जाता है? एसपी। ठीक है, अब है क्या? प्रॉफिट, व्हेन द सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस हमेशा जब ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस होगा तो हमें क्या मिलता है? प्रॉफिट। एंड व्हेन द सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, तो हमें होता है क्या? लॉस। ठीक है, उसके बाद आता है एक और चीज,
एक और टर्म आता है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या होता है? अ प्राइस रिटन एट एनी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं हम, उस पे एक एमआरपी लिखा होता है, एमआरपी, ठीक है, मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस अगर मान लो 36 रुपीज है, तो एमआरपी कितना हुआ? मार्केट प्राइस 36, ठीक है। तो प्राइस रिटन एट एनी प्रोडक्ट इज कॉल्ड मार्केट प्राइस, ठीक है। और उसमें हमें डिस्काउंट, डिस्काउंट भी एक वर्ड आता है। डिस्काउंट क्या होता है? हम बोलते हैं कि हमें डिस्काउंट नहीं मिलेगा इस पे, मतलब कि कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हमें चाहिए कि हमें डिस्काउंट भी मिल जाए। डिस्काउंट का मतलब होता है द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, मतलब कि मार्केट प्राइस अगर ये 36 रुपीज था, बट हमने इसको 30 रुपीज में बेचा, सेलिंग प्राइस कितना हो गया? एसपी 30 रुपीज। तो ये जो डिफरेंस है, 36 माइनस 30, दैट इज 6 रुपीज का जो डिफरेंस है, ये क्या हुआ? हमारा डिस्काउंट। तो हमने कितना, हमें कितना का डिस्काउंट मिल गया? 6% का डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। तो मार्केट प्राइस पे ही हमेशा डिस्काउंट निकाला जाता है। तो ये नोट में आप नोट कर सकते हैं कि डिस्काउंट इज ऑलवेज गिवेन ऑन मार्केट प्राइस, एमआरपी पे ही डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। अब बात आती है कि प्रॉफिट और लॉस किस पे कैलकुलेट किया जाता है। प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है, सीपी पे, प्रॉफिट एंड लॉस। और मार्केट प्राइस और डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे, मार्केट प्राइस, ठीक है, मार्केट प्राइस पे मिलता है, दिया जाता है। तो इस तरह आपने फॉर्मूला समझ लिया और ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो उससे जितना भी है डाउट वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि फिल द टेबल, इस तरह एक टेबल बना हुआ है आपकी बुक में और कह रहा है कि ये जो टेबल में जो खाली जगह है उसको भरो। तो पहले नंबर में क्या है, इसे मान लेती हूँ 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। पहले नंबर में क्या दिया हुआ है? सीपी, पहले वो में खांचे में जो भी कह सकते हैं, पहला टेबल में सीपी, उसके बाद है एसपी, उसके बाद का जो है वो है परसेंटेज, ये सॉरी प्रॉफिट और लॉस, और ये प्रॉफिट लॉस का परसेंटेज। तो सीपी में मतलब कि कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, क्रय मूल्य 500, एसपी नहीं पता, सेलिंग प्राइस नहीं पता, मतलब कि हमें फाइंड करना है, और परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो फाइंड करना है। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दे दिया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? एसपी निकालना है। तो इसमें हमें एसपी निकालेंगे नंबर 1 में, ठीक है। नंबर 1 में क्या करेंगे? एसपी फाइंड करेंगे। तो जैसे कि सीपी दिया हुआ है, लिखेंगे सीपी इज इक्वल टू 500, एंड प्रॉफिट नहीं दिया है, परसेंटेज प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। परसेंटेज पी इज इक्वल टू 25%। तो हमें क्या निकालना है? एसपी इज इक्वल टू व्हाट, एंड पी और एल जो भी है इज इक्वल टू व्हाट, ये हमें करना है, ठीक है। तो यहाँ सीपी है और पी है, परसेंटेज पी है, तो हम यहाँ से इजिली एसपी निकाल सकते हैं। एसपी का फॉर्मूला जैसे हमारे पास है, एसपी इज इक्वल टू क्या होता है? सीपी 100 प्लस पी प्रॉफिट, पी परसेंटेज बाई 100 मल्टीप्लाई सीपी, यही होता है फॉर्मूला एसपी का, ठीक है। फॉर्मूला भी पुट कर देंगे, 100 प्लस परसेंटेज ऑफ पी कितना है? 25%, मतलब परसेंट नहीं लिखना है, बाई 100 मल्टीप्लाई सीपी, सीपी कितना है? 500, ठीक है। अब यहाँ से इजी हो जाएगा, इसको करेंगे तो इसको ऐड कर देते हैं, 125 बाई 100 मल्टीप्लाई 500। अब 100 से 500 कट करेंगे 5 टाइम्स में, कितना हो जाएगा? 125 मल्टीप्लाई 5, ये करते हैं हम, तो 5 5 आपका कुछ कितना आ जाएगा? 6, हाँ 625, इतना आ गया क्या? एसपी, ठीक है। एसपी हमें निकालना था, तो एसपी की जगह पे हम क्या लिख देंगे? मैं यहाँ पर रेड पेन यूज कर लेती हूँ कि समझ में आया, वैसे रेड पेन यूज नहीं करना चाहिए, बट आंसर में 625 ये आ गया हमारा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि परसेंटेज पी और एल जो भी हो रहा है वो हमें निकालना है, लेकिन हमारे पास क्या है? परसेंटेज में दिया हुआ है, हमें नॉर्मली प्रॉफिट निकालना है। तो हमें पता है क्या? एसपी माइनस सीपी कर देने से आ जाएगा, एसपी हमारे पास 625 है, एसपी माइनस सीपी, ठीक है, एसपी है 625 माइनस 500, ठीक है। तो इसमें से हो गया ये 5 2 1, 125, तो हमारा प्रॉफिट कितना आ गया? 125। तो हम आंसर में क्या लिख देंगे यहाँ पे? 125, ठीक है। इसी तरह बनाना है, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आप कर सकते हो खुद। अब ये जो फोर्थ है, ये मैं फोर्थ में आप लोग को बता देती हूँ।
ओके तो फोर्थ में क्या है, सीपीएम में नहीं पता है, सीपी निकालना है, और पी और एल नहीं पता है, वो निकालना है। एसपी दिया हुआ है 2300, परसेंटेज ऑफ पी भी दिया हुआ है कितना, 15%। तो हमें क्या सिंपली निकालना है, सीपी। तो चलो सीपी का फॉर्मूला पुट करते हैं पहले। सीपी इज इक्वल टू क्या होता है, 100 बाई 100 प्लस पी, है ना, 100 प्लस पी मल्टीप्लाई एसपी, यही होता है। ठीक है, अब ये 100 बाय 100 प्लस पी, पी कितना है, 15% है, और एसपी कितना है, एसपी है 2300, इतना है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 100 बाय 100 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 115 मल्टीप्लाई 2300। ठीक है, अब 115 और ये 2300 जो है इसको 5 से कट करते हैं, 5 2 10 और 5 3 15, और इसको 5 से करेंगे तो, या फिर आप इसको 5 से कर देते हैं, चलो इसी को करते हैं, 5 2 5 4 20 और 5 6 30, इतना हुआ। ठीक है, अब 23 2 46 होता है, मतलब कि 20 टाइम्स में कट गया, और 20 को 100 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 22,000। यहाँ पे 5 4 60, अब ये 20 को 100 से मल्टीप्लाई करने पे 2,000 आ गया, तो हमारे पास सीपी कितना आ गया, 2,000। ठीक है, और 2,000 यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, 20,000 आना चाहिए था, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंतर हो जाएगा, परसेंटेज 15% है। सॉरी, क्वेश्चन में ही गलती है, यहाँ पे एक और जीरो था। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पे एक और जीरो था, मैं लिखना भूल गई थी, एक और जीरो यहाँ बैठा दिए, तो एक और जीरो यहाँ पड़ गया। ठीक है, ये 200 में 100 से मल्टीप्लाई करने पे 2,000 आएगा, 20,000। तो 20,000 हमारा क्या आ गया, सीपी का वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, पी या और एल, और ऑब्वियसली पी मिल रहा है हमें, तो पी इज इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है, एसपी है इतना 2300 माइनस सीपी कितना है, 20,000। अब इसको माइनस करने पे कितना आ जाएगा, 3,000 पी, यही हमें निकालना था, पी यहाँ पे पुट कर देंगे, पी की जगह पे कितना, 3,000, एंड सीपी की जगह पे 20,000, ये और ये आंसर। ठीक है, तो इसी तरह बनेगा आपका, और बाकी 2 3 आप खुद ही कर लोगे, बहुत ही इजी है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक ग्राफ है। ठीक है, तो ये मैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आगे के सॉल्यूशंस। मैंने ये बेसिक क्वेश्चन इसलिए सॉल्व कर दिया क्योंकि आप लोग के दिमाग में फॉर्मूला कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे पुट करना है और कैसे निकालना है, इसके लिए ये बहुत जरूरी था कि एक आध क्वेश्चन बताया जाए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय।